नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल 10 न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ हिमांशु शर्मा। चाय पे चर्चा आपने ज्यादातर सुनी होगी, लेकिन आज हम करने वाले हैं अलाव पर चर्चा। फोनरवा का जो चुनाव है वो हो रहा है, काउंटिंग अंदर चल रही है और यहाँ पर इंतजार है सिर्फ उन पलों का जब निर्णय सभी के सामने आएगा। और आप लोगों ने सुना होगा कि यहाँ पर जितने भी लोग इस इंतजार में बैठे हैं वो सभी नोएडा प्रेमी, नोएडा के विकास में कहीं ना कहीं अपनी एक सहभागिता निभाते हैं वो लोग हमारे साथ बैठे हैं। एक अहम मुद्दा जो हम लेकर आए हैं वो यह मुद्दा है कि हम देखते हैं कि फोनरवा जो है एक ऐसा संस्थान है जिसने नोएडा के विकास में अहम भूमिका निभाई है, लेकिन इसके जो सदस्य हैं उनकी सदस्यता में वृद्धि, यानी कैसे जो नोवरा है उसमें भी जो गांव है नोएडा के अंतर्गत उनमें भी RWA बनाई जाए और RWA के जो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी हैं वो भी फोनरवा के सदस्य बने। यहाँ इसके साथ साथ AOA यानी अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी हैं वो भी इसके अध्यक्ष बने, ताकि एक अम्ब्रेला जो संस्थान है वो कहीं ना कहीं नोएडा को मिल सके। इस पर तमाम लोगों का क्या मानना है, उनसे बातचीत करेंगे कि इस अम्ब्रेला टर्म को वो कैसे देखते हैं। सर, क्या कुछ लगता है क्या इस विचार पर, आपका क्या मानना है, आपका नाम और पद बताते हुए? सुरेंद्र शर्मा, RWA अध्यक्ष, सेक्टर P3 ग्रेटर नोएडा से जी। मेरा ये मानना है कि हमारा ये जो पैनल है अपने योगेंद्र शर्मा जी का, वो एक ऐतिहासिक जीत की तरफ अग्रसर है। विषय जो था सर कि इसके जो सदस्य हैं वो अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी और गांव में भी RWA बनाई जाए ताकि नोएडा का समावेशी विकास हो सके। हाँ, हम इस बात से सहमत हैं कि हाँ भी गांवों में भी RWA का संगठन खड़ा होना चाहिए, क्योंकि जैसे अभी गांवों में हमारे यहाँ नोएडा में कोई भी इस तरह का वो चुनाव है नहीं, ना नगर निगम है ना प्रधानी है, तो इसलिए यहाँ RWA बहुत ज़रूरी है जी। सर, आपका क्या कुछ मानना है इस विषय पर? गांवों का विकास होगा अगर RWA बनाई जाएगी तो, क्योंकि प्रधानी हटा दी हमारे क्षेत्र से जी और पब्लिक परेशान है, जो कि नहीं होनी चाहिए। RWA बन जाएगी तो पब्लिक को एक राहत मिल जाएगी, साफ सफाई अच्छी होगी गांवों में भी, सेक्टरों से अच्छी सफाई होनी चाहिए गांवों में। गांवों की जमीन थी सब जो जिसमें सेक्टर बने। हाँ, ये बात भी है कि प्रधानी जो है वो नोएडा के जो गांव हैं उनमें नहीं है। आपका क्या कुछ मानना है सर, किस तरीके से समावेशी विकास हो सकता है गांव में भी RWA बनने के बाद? मैं RWA सेक्टर 46 का अध्यक्ष हुई होगा, गार्डनिया ग्लोरी अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन का, और पहली बार हम लोग यहाँ पे वोट डालने आए हैं। शर्मा जी ने AO को भी इस फोनरवा के अंदर जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और काफ़ी अपार्टमेंट ओनर यहाँ पे हैं और जो सोसाइटीज हैं, काफ़ी जो रजिस्ट्री का मुद्दा है उसके ऊपर भी हमारी पीछे फोनरवा अध्यक्ष शर्मा जी से बात हुई है। और ये पैनल जीतता है तो आने वाले टाइम में जो है फोनरवा के बैनर तले जो है कि रजिस्ट्री का मुद्दा हम लोग यूपी सरकार से लेके अथॉरिटी तक अहम मुद्दा बना के इस पे हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। इस अलाव की चर्चा में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो तमाम जो RWA हैं वो गांव के अंतर्गत भी आए और इससे क्या होगा कि जो कहीं ना कहीं समावेशी विकास है नोएडा का वो होगा। जी, अपना नाम और पद बताते हुए बताइए किस तरीके से आप सोचते हैं इस अम्ब्रेला टर्म के बारे में। मेरा नाम अभय सिंह भाटी, मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ, सेक्टर गामा 2 में रहता हूँ जी। मेरा मानना है कि सेक्टरों की तर्ज पर ही गाँव में भी RWA के जो चुनाव कराए जाएं, जिससे कि विकास जो सुनियोजित हो सके और योगी शर्मा पैनल जो है हमारा जो जीत रहा है, अगर पैनल जीतता है तो आगे जो है गाँव के उस पर भी जो चर्चा जो होगी जी। यहाँ पर और भी तमाम जो लोग हैं, तमाम पदाधिकारी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अलाव पर चर्चा हम लगातार आपके साथ कर रहे हैं और तमाम लोगों से हम बातचीत करेंगे। सर, आपका क्या कुछ मानना है, अपना नाम पद बताते हुए बताइए कि किस तरीके से अपार्टमेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जो हैं वो भी इसका फोनरवा का हिस्सा बने, गाँव में भी RWA बने, उसके भी पदाधिकारी इसका हिस्सा बने, क्या कुछ मानते हैं आप? देखिए, मेरा नाम विजय भाटी है, मैं RWA फेडरेशन में 2001 से हूँ जी। बहुत लंबे समय से रहा हूँ मैं, कई चुनाव लड़े हैं, 6-7 चुनाव, और ये है कि जो RWA है जिसमें जो पहले फ्लैट थे, फ्लैट की जो सोसाइटी थी वो रजिस्टर्ड है, ये वो अलग बन गई है, बाकी कोठियों की है। और रही बात गांव की, तो गांव की समस्या अलग है, सेक्टर की समस्या अलग है, फ्लैटों की समस्या अलग है जी। तो आप मानते हैं कि समावेश इनका आपस में एक हो जाना, एक नहीं होगा जी। सर, आप अपना नाम पर
जी, यहाँ पर और भी तमाम जो लोग हैं उनसे हमने तमाम तरीके की बातचीत की है, उनका क्या कुछ मानना है और इस तरीके की जो चीज़ें हैं, ये अलाव पर जो चर्चा है वो कहीं ना कहीं काफ़ी अहम होने वाली है और इससे हम जानेंगे कि किस तरीके से नोएडा का जो विकास है वो समावेशी जो स्तर है वो कैसे होगा, तमाम तरीके से सर से जानते हैं। सर, आप इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं कि यह जो अम्ब्रेला टर्म की बात हम कर रहे हैं, अलाव पर हम चर्चा कर रहे हैं, एक अम्ब्रेला टर्म जिससे समावेशी विकास हो सके, तो इस समावेशी विकास को आप कैसे देखते हैं? भाई, समावेशी विकास के बारे में पहले तो मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम आरएल वर्मा है और मैं सेक्टर 105 पॉकेट ए की आरडब्ल्यूए का जनरल सेक्रेटरी हूँ। जहाँ तक जो आपने समावेशी विकास का प्रश्न उठाया है, इसके बारे में मैं एक स्थिति बड़ी स्पष्ट कर दूँ, क्योंकि नोएडा जो है आज की डेट में ऑलमोस्ट जो है यहाँ पर 140 जो है आरडब्ल्यूए और अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन है जी, और अपार्ट फ्रॉम दिस जो है यहाँ पे जो है जो विलेजेस है, विलेजेस की भी संख्या ऑलमोस्ट जो है 100-125 के करीब है जी। तो समावेशी विकास में अगर हम सभी को एक साथ लेकर चलेंगे तो हम उस तरीके के जो है जो रिजल्ट हमें चाहिए, जो परिणाम हमें चाहिए, वो हम नोएडा अथॉरिटी से प्राप्त नहीं कर पाएंगे या शासन से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो है, क्योंकि अपार्टमेंट्स ऑनर्स एसोसिएशन के केस में क्या है, वो सारी की सारी सोसाइटीज जो है ग्रुप हाउसिंग पैटर्न पे बनी हुई हैं। ग्रुप हाउसिंग पैटर्न की सोसाइटीज में जो रहने वाले हैं उनका एक जो है दायरा अलग रहता है, और जहाँ तक नोएडा अथॉरिटी के द्वारा जो प्लॉट जो फ्लैट अलॉट किए गए हैं, प्लॉट अलॉट किए गए हैं उसमें जो है एक अलग तरीके की कैटेगरी रहती है। तो समावेशी विकास अपने आप में है तो ठीक, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, क्योंकि नोएडा बहुत बड़ा हो गया है, इसलिए समावेशी विकास की बजाय यदि हम जो है इन तीनों को अलग अलग लेके लेंगे और वो उसमें जो है जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चाहे वो फेडरेशन के द्वारा या फोनरवा हो या नोफरवा हो या DDRWM, क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, मानव स्वभाव है, हर आदमी लीड करना चाहता है, वो संस्था अलग तो बनाएगा ही बनाएगा और संस्थाएँ एक नहीं अनेक बनेंगी, लेकिन सारी संस्थाओं का उद्देश्य एक ही होना चाहिए, किस तरीके से नोएडा ओवर एंड ऑल जो है इसमें किस तरीके से विकास किया जाए। विकास के लिए तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। नंबर एक, इंफ्रास्ट्रक्चर, आने जाने की सुविधा, पहले तो सड़क चाहिए, फिर उसके ऊपर सड़क के ऊपर चलने वाले व्हीकल चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहिए। भाई, पर्सनल ट्रांसपोर्ट से तो लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है अभी भी जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करती है। नंबर दो, कि भाई नोएडा अथॉरिटी से होने वाली जितनी भी सुविधाएं हैं वो डे टू डे लाइफ में मिलनी चाहिए, किस तरीके से मिलनी चाहिए, कैसे मिलनी चाहिए, उसके लिए नोएडा अथॉरिटी के जो अधिकारी हैं उनके साथ जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये अपने अपने लेवल पे मिलती तो हैं, कार्य करने का आश्वासन दिया जाता है, लेकिन कार्य का फॉलो अप होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने सर कहा कि विपक्ष, हालांकि जो लीड करने का स्वभाव है वो वही रहता है, तो विपक्ष की जो भूमिका रहेगी वो अपनी एक नई संस्था बना लेगा। बिल्कुल बिल्कुल, अगर मान लिया एक आदमी एक संस्था से अगर जाता है या हटता है या हटाया जाता है, वो अपनी एक नई संस्था बना लेगा, नया नाम दे देगा। तो मेन ये है, संस्थाएं जितनी मर्जी हो, मेन है कि टारगेट एक है, इसमें नोएडा अथॉरिटी के द्वारा, शासन के द्वारा, क्योंकि वजह है आने वाले टाइम में नहीं अभी भी नोएडा, ग्रेटर नोएडा जो है सिर्फ हिंदुस्तान के जो है उस पर नहीं है, वर्ल्ड मैप पे चला गया है, और ये अब शासन और नोएडा अथॉरिटी की और नोएडा के रेजिडेंट्स की जिम्मेदारी बन जाती है कि किस तरीके से यहाँ पर हर तरीके की सुविधा को इतना ज़्यादा एडवांस किया जाए कि ये स्मार्ट सिटी, क्योंकि स्मार्ट सिटी की और अग्रसर हो रही है, और वो कैसे किया जाएगा, ये शासन के ऊपर है, नोएडा अथॉरिटी के ऑफिसर्स के ऊपर है और नोएडा के रहने वाले लोगों की जो संस्थाएं बनी हुई हैं अलग अलग उनके ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। तमाम तरीके से हमने अलाव पर जो चर्चा थी वो हम कर रहे थे और यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से जो लोगों का मत है वो कहीं ना कहीं मिला जुला भी कह सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि तमाम लोगों का, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो अम्ब्रेला टर्म है उसको यूज़ कर लिया जाए, समावेशी विकास की ओर ध्यान दिया जाए। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि तीनों की जो समस्याएँ हैं वो अलग अलग हैं और तीनों की जो समस्याएँ हैं उन पर अलग अलग ही विचार अलग अलग संस्थाओं द्वारा किया जाए तो बेहतर होगा। आपकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आप देख रहे थे टेन न्यूज़ नेटवर्क, मैं हूं आपके साथ ही मानचित्र।